अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ, पर्यावरणविद हैं हमारे बीच में संजय कश्यप जी। संजय कश्यप जी से आग्रह है कि वे आएं और अपने विचार रखें। चूंकि हम बहुत से लोग हैं और हम सभी को सुनेंगे, तो बस थोड़ा सा हम समय को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट की अवधि में हम अपने तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में वीके अग्रवाल जी हैं, वो आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हम जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि समय की सीमा मुझको बांधी गई है, 7-8 मिनट दिए हैं मुझको, इसलिए बहुत जल्दी जो मंच पर हैं उनको, जो कृष्ण सिंह सुरोही जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे पता नहीं मैं पहली बार कब मिला था उनसे। राजनीति मैं भी हूँ मैं, और आपको देख कर हमने राजनीति सीखी है, इसलिए वो सबसे पहला नमन उनको करता हूँ। सत्येंद्र जी हैं, ज्ञानेंद्र जी भाई सब हैं, आपको आपका लिखा पढ़ते हैं, मुलाकात तो बहुत कम हो पाती है, लिखा पढ़ते हैं उसी से ज्ञान मिलता है। आपको भी बहुत नमन है, जितेंद्र जी, सत्येंद्र जी, अन्य लोग जो मंच पर हैं उन सभी को, और एक विशेष मेरा जो लगाव है या जिसमें सुदीक्षा जी यहाँ बैठी हैं, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेम्बर भी हूँ, इसलिए उनसे भी, उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। और आप सब लोग मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो प्रवीण जी हों, चाहे वो प्रशांत वत्स जी हों, नदीम जी हों, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ। सभी लोग बिल्कुल, सत्येंद्र जी ने सही कहा, कुछ लोग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, वो भी यहाँ पर हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ अपनी बात, क्योंकि लगातार यहाँ पर हिंडन महोत्सव और शब्द का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम हिंडन की बात को लेकर ही मैं चालू करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरू करता हूँ कि आपने कहा कि सरकार के जो घटक हैं उनको पता है कि नदियां कैसे साफ की जा सकती, नदियां कैसे जिंदा की जा सकती हैं, तो अभी तक हुई क्यों नहीं? हुई इसलिए नहीं, क्षमा के साथ कहूँगा, हुई इसलिए नहीं क्योंकि समाज और राज ये बैल और बैलगाड़ी की तरह काम करते हैं। कभी अगर बैलगाड़ी आगे लग गई तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बैल अगर अकेले ही चला गया तो गाड़ी रह जाएगी। इसलिए जो बैल है, जिसको हम पूज्य मानते हैं, उसका नाम है समाज, और गाड़ी है वो है सरकार, सरकारी सत्य। इसलिए समाज अगर राह दिखाता है, जब समाज और राज एक साथ मिलते हैं तो वो काम बनता है। कहीं भी आप देख लीजिए, नदी पर देख लीजिए, तालाबों पर देख लीजिए, कहीं भी जब राज और समाज मिलकर काम करते हैं तो वो बैलगाड़ी और गाड़ी चल पड़ती है। इसी प्रकार से हिंडन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंडन महोत्सव है, तो यहाँ पर जितने भी जिले की बात की जा रही है, प्रदूषण की समस्या की जा रही है, इसमें जो जमीन घेरी जा रही है उसकी भी समस्या है, इसमें अन्य प्रकार की और भी समस्याएं हैं। इसलिए मैंने, यानी हम जब सब लोग जो मिलकर यहाँ काम करते हैं, उन सब लोगों ने पहले देखा कि नदी को हम समझ लें, नदी को हम पहले इसको देख लें। तो तरह तरह की, मेरे यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जल बिरादरी के विक्रांत शर्मा जी, जिन्होंने तमाम पदयात्रा की, उनके साथ हम लोगों ने पदयात्रा की, और उन पदयात्राओं के साथ मिलकर, और अभी भी हम लोग यात्राएं कर रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा हो चाहे किसी प्रकार से हो, हम लोगों ने पहली बार, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 22 लोग गए आज से लगभग, 2017 में हम लोग गए, और हमने पहली बार जहाँ पर हिंडन यमुना में मिलती है वो देखा। यानी कि वहाँ पर वो, वहाँ कोई किसान के अलावा और कोई जाता ही नहीं था, तो वहाँ पर किस प्रकार के उसका वेग है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन किया हम सब लोगों ने। और अभी लगभग 7-8 दिन पहले डॉक्टर नागर साहब उसमें जाने वाले थे, उस यात्रा में किसी वजह से नहीं जा पाए, हिंडन का जो उद्गम है उसकी यात्रा की। उद्गम शब्द आपको ऑथेंटिसिटी इसकी जो सरकार ने है, वो सरकार ने दे रखी है कालूवाला से। कालूवाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, लेकिन, और इसी प्रकार क्योंकि वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कहा गया कि इस नदी में अपना पानी नहीं है। लेकिन वहाँ पर काम कर रहे लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर उमर सैफ हों, चाहे वो डॉक्टर इलियास जी हों, और अन्य और लोग हों, उन सब लोगों ने आज से 3 साल पहले ये खोज की, और ये नदी ना केवल उत्तर प्रदेश में बहती है, बल्कि इसका जो उद्गम है वो देहरादून में भी, यानी उत्तराखंड में भी आगे चलता है। प्रवीण जी मेरे साथ थे, इन्होंने देखा कि किस प्रकार से कलकल बहता हुआ झरना, और वहाँ पर पानी मौजूद है हिंडन का, ये सबूत दे रहा था। आपने एक और नाम सुना होगा मित्रों, पांव धोई नदी। पांव धोई नदी जो इसकी सहायक नदी है,
इसके अलावा और भी चेचेही, नागदेही बहुत सारी नदियां हैं जिनमें आज भी अपना भूमिगत स्तर से पानी आता है और आज भी अपना पानी है। लेकिन होता क्या है, केवल 5.5 किलोमीटर की वो नदी जो कलकल बहता हुआ पानी यानी नहाने लायक पानी लाती है और वो थोड़ा सा आगे आती है और एक धमोला नाला करके, हालांकि वो धमोला भी नदी है, धमोला नाला करके में मिल जाती है और वो जो पानी पीने लायक था, वो पानी नहाने लायक था, वो पानी एक नाले में बदल जाता है। आज मैं शुरू करूं तो जहां से धमोला नदी निकलती है वहां से भी उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। वहां के नगर आयुक्त हैं, उन्होंने नगर आयुक्त और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोग्राम चलाया है और धमोला नदी को आज साफ कर लिया गया है। इसका उदाहरण ये है कि NGT ने 18 नगर निगमों पर 50 लाख रुपए महीने का जुर्माना लगाया, 6 महीने में वो 3 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन केवल सहारनपुर नगर निगम ऐसा है कि जिसका NGT ने वो सारा जुर्माना माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने NGT और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो काम थे वो सारे कर दिए। तो मेरा निवेदन ये है मित्रों कि हम एक बार जरा नदी को समझ लें, जरा उसके साथ मिलकर काम कर लें। तो इसके लिए पहला अभियान जो चलाया गया वो चलाया गया कि जो नदी का कैचमेंट एरिया है उस पर हम लोग अभी हमने देखा है और अगले अप्रैल से यानी कि यहाँ का जो प्रशासन है और सहारनपुर का प्रशासन है NDRF के हैं, NDRF ने कहा है कि आप हमारे जवान ले जाइए और इनसे जो भी मैनुअल काम हो सकता है वो करें, करवाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो ऐसे तमाम लोग वन विभाग वहाँ के DFO साहब थे हमारे साथ जब हम लोग वहाँ पर गए, और तो ये सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो नदी के कैचमेंट एरिया जहाँ से ये नदी चालू होती है, जहाँ से उद्गम, वहाँ से हम लोगों ने काम करना चालू किया है, वहाँ पर हमने अपना बेस कैंप बनाया है और उसको अब आगे ले जाए, क्योंकि जितेंद्र जी का निवेदन जो आदेश है। तो मैं सीधा गाजियाबाद पर आ जाता हूँ, बीच में जो शहर पड़ते हैं चाहे वो शामली हो, चाहे वो कृष्ण नदी हो, चाहे वो जो काली नदी हो जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, उस पर सरकार ने काम चालू कर दिया है। सरकार ने कोटा खोल दिया है पेपर इंडस्ट्री के लिए और शुगर इंडस्ट्री के लिए भी। सुरेश राणा जी से, क्योंकि वो गन्ना मंत्री हैं, उनसे बात हुई है, तो वो भी एक धीरे धीरे करके और जो उसका गंदगी निकलती है उसको अलग तरह के उपयोग करेंगे और शुगर इंडस्ट्री को भी धीरे धीरे करके नदियों को साफ करने के लिए लाएंगे। अब मैं गाजियाबाद पर आता हूँ सीधा। गाजियाबाद में जैसा मैंने बताया कि सहारनपुर में जिस प्रकार से काम हुआ है उसी की तर्ज पे हिंडन में गिर रहे जो नालों पर बायो रेमेडिएशन का काम चालू किया है, नगर निगम ने वो काम चालू किया है। मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ, मेयर साहब यहाँ बैठी है, और यहाँ पर जो 7 नाले हैं, जो मेजर 7 नाले हैं, उस पर बायो रेमेडिएशन का काम चालू किया गया है। आप प्रताप विहार नाले पर वो काम चालू हो गया है, आधा काम पूरा हो गया, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से एक बड़ा नाला जो सीधा हिंडन में नहीं गिरता लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से यमुना में जाकर गिरता है, ये जो शहीद नगर का नाला है जिसको साहिबा ड्रेन कहते हैं, इस पर भी और बायो रेमेडिएशन और केमिकल का जो हटाने का काम ये भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो लगभग अगले 6 महीने में आपको ये लगेगा कि हिंडन में जो CPC जो NGT ने अपना कहा है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मानक हैं उसके अनुसार उतनी ही, चाहे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो चाहे वो सब होगी। ये सरकार की हमारा प्रतिबद्धता है, ये सरकार जो कैच द जो रेन है ये 2 है, कैच द रेन फर्स्ट हुआ है और कैच द रेन 2 है। तो कैच द रेन फर्स्ट में तो क्योंकि कोरोना की वजह से उतना काम नहीं हो पाया, लेकिन कैच द रेन 2 में ये काम होगा। योगी जी की, मोदी जी की और सरकार के जो यहाँ पर हम सब लोग जो काम कर रहे हैं उन सब की प्रतिबद्धता है कि ये हिंडन और ये नदियाँ ये कल बहेंगी। मैं जितेंद्र जी के आदेश को मानकर अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बहुत धन्यवाद।